नेपानगर पुलिस ने सात प्यारी छात्रावास में चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों पर नवनिर्मित कन्या छात्रावास से 52 सीलिंग फैन चोरी करने का आरोप है। पुलिस की शिकायत मिली थी कि सतप्यारी छात्रावास में एक माह पहले 52 सीलिंग फैन चोरी हुए हैं, जिस पर पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और मुखबिर की सूचना पर जंगल में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 15 सीलिंग फैन बरामद किए गए हैं, जबकि तीन आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। हॉस्टल से 2 जून 2020 को 52 पंखे हॉस्टल से चुराए गए थे। वो अज्ञात आरोपी के खिलाफ जो हॉस्टल का ठेकेदार था आदित्य सेठी, इसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी और उसकी रिपोर्ट पर से धारा 457-380 का मुकदमा कायम करके प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था अज्ञात आरोपियों के खिलाफ, जिसकी तलाश के दौरान आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ सातपायरी के लोग हैं जिन्होंने पंखे चुराए हैं। उस आधार पर दबिश दी गई तो घर पर तो आरोपी नहीं मिले, लेकिन बाहर एक जंगल में ऐसे सूचना प्राप्त हुई थी। जंगल में उनको घेराबंदी करके पकड़ा तो बंटी उर्फ छोटू उर्फ ईश्वर रितेश और दिनेश तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनसे विस्तृत पूछताछ की गई, जिनसे पंद्रह पंखे बरामद किए हैं। इन्होंने गन्ने के खेत में छुपा रखे थे और भी बरामद किए गए।